स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ उसके अंदर की यूनिवर्स की बात करती है पर लाइव एक्शन की दुनिया की बात भी करती है। इसके कई नॉड्स कैमियोस के साथ ये फिल्म एंटरटेन करती है। क्या है ये रेफरेंसेस एमसीयू लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स और एसएमसीयू से? अगर आपको सुनना है तो स्पॉइलर का सामना करना ही पड़ेगा, तो वीडियो स्किप कर दे अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते, और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है एमसीयू और लाइव एक्शन स्पाइडरमैन रेफरेंसेस इन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इनिशियल पलों में ही पहला लाइव एक्शन रेफरेंस मिल जाता है जब प्रचलित स्पाइडरमैन किरदार जे जोना जेमसन, जिसका एक ही काम है स्पाइडी की बदनामी करना, उसकी आवाज सुनाई देती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किरदार को आवाज देते हैं जे के सिमन्स, जिन्होंने टोबी वाले स्पाइडरमैन और हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन वेनम सारी एसएमसीयू एमसीयू मूवीज में इस किरदार को दी है। उनकी आवाज दो बार सुनाई देती है, एक बार माइल्स के डायमेंशन में, दूसरी बार 13122 लेगो स्पाइडरमैन की दुनिया में, जहां डेली ब्यूगल भी दिखाई देता है। पहली बार जब ऑस्कर आइज़क का किरदार मिगेल ओहारा मिलता है स्पाइडर ग्वेन से, ग्वेन मिगेल का नाम कई बार गेस करने की कोशिश करती है और तब ये नाम लेती है ब्लू पैंथर, जो ब्लैक पैंथर पर रेफरेंस है, और केप क्रुसेडर, जो बैटमैन पर रेफरेंस है। उसी सीन के दौरान ही मिगेल डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर डायरेक्ट रेफरेंस देता है, जो डायलॉग ट्रेलर में भी सुनाई दे चुका है। Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd. जो स्पाइडरमैन नो वे होम में उन लोगों ने मल्टीवर्स के साथ छेड़खानी की थी उस पर टिप्पणी करता है, और केविन फाइगी को गुस्सा दिलाते हुए फिर से एमसीयू का डायमेंशन बोला जाता है 19999, जबकि फाइगी अंकल कह चुके हैं कि उनका डायमेंशन है वो 616. Our universe is 838 and we've designated yours 616. तो तैयार हो जाइए फाइगी अंकल के गुस्से का सामना करने के लिए। एक सीन में जब माइल्स के बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट को दिखाया जाता है, यानी जिन विलन को उसने हराया है इन कुछ सालों में, उनमें से एक विलन है लीपफ्रॉग, वही गधा विलन जो शी हल्क सीरीज में दिख चुका है, जिसे उस सीरीज में निभाया था एक्टर ब्रैंडन स्टैनली ने। माइल के रूममेट डंक ली कहता है माइल्स से आई एम नॉट ए गाय इन द चेयर, जो ऑब्वियस रेफरेंस है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स की तरफ, जो हमेशा से बनना चाहता था स्पाइडरमैन का द गाय इन द चेयर। इंटरेस्टिंगली नेड लीड्स का किरदार एमसीयू फिल्मों में निभाया था जेकब बैटलन ने, वो किरदार डंकली के किरदार पर ही आधारित है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिवर्स नॉड है दोनों के बीच। एक सीन में जब फिल्म का विलन स्पॉट अलग अलग डायमेंशन में जाके घुसता है, वो पहुंच जाता है वेनम यूनिवर्स में, जिसे असाइन किया गया है डायमेंशन 688, जहां वो मिलता है वेनम मूवीज के मुख्य किरदार मिसेस चेन एक्ट्रेस पेगी लू से। तो वेनम यूनिवर्स भी स्पाइडर यूनिवर्स का पार्ट है, जो एनिमेशन और लाइव एक्शन का एक अजीब कनेक्शन दिखाता है। मल्टीवर्स का एंट्री पॉइंट हेक्सागोनल शेप का है, और ऐसे ही शेप्स तब भी दिखते हैं जब मिगेल माइल्स को मल्टीवर्स का फंडा समझा रहा होता है। वांडा विजन सीरीज ने और एमसीयू में कई बार हेक्सागन्स को दिखाया गया है अलग डायमेंशंस को समझाने के लिए। What's a hex? Oh, it's what I'm calling the anomaly because of its hexagonal shape. It's starting to catch on. वैसे जहां एमसीयू और मल्टीवर्स की बात हुई, तो सीक्रेट टाइमलाइन जो दिखा था लोकी सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखता है, जहां अलग अलग डायमेंशन समाये हुए हैं, ऐसा ही कुछ अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में मिगेल भी दिखाता है, जो इस फिल्म को एमसीयू से काफी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। माइल्स और ग्वेन के बीच एक सीन में माइल्स के कॉस्ट्यूम के पीछे उसी तरह का साइन है जैसे एंड्रयू गारफील्ड के कॉस्ट्यूम के पीछे था गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज ऑफ मूवीज। जब माइल्स और कंपनी स्पाइडर सोसाइटी के अंदर घुसते हैं, कई सारे स्पाइडरमैन विलन्स को देख पाएंगे आप, तो या तो ऑलरेडी लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुके हैं या लाइव एक्शन मूवीज बन रही है, जैसे डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, दोनों टोबी और एंड्रयू की मूवीज में दिख चुके हैं, मिस्टेरियो जो हॉलैंड के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का विलन था, क्रेवन जिस पर खुद की फिल्म बन रही है, और राइनो जो एंड्रयू वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिख चुका है, और आने वाले क्रेवन द हंटर वाले मूवी में भी दिखेगा। अब आया सबसे बड़ा कैमियो का खुलासा, जब हमने देखा डोनाल्ड ग्लोवर को लाइव एक्शन वर्जन में स्पाइडर सोसाइटी के सेल में। ग्लोवर ने प्राउलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, सबसे पहली बात प्रचलित मूवी स्पेस जैम की तरह, जहां बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन थे उस फिल्म के लीड में, और उन्होंने बग्स बनी समेत कई कार्टून किरदार के साथ इस मूवी का हिस्सा बने थे। उसी स्टाइल में ग्लोवर भी यहाँ अपीयर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ग्लोवर ने टॉम हॉलैंड के एमसीयू स्पाइडरमैन मूवीज में माइल्स के अंकल एरन डेविस का किरदार निभाया था, और उस फिल्म में माइल्स का रेफरेंस भी हुआ। तो फाइनली एमसीयू तैयार है माइल्स को लाइव एक्शन वर्जन में लाने के लिए, और ये सीन उसी तरह नॉट होगा। वैसी भी अटकलें चल रही है कि सोनी और एमसीयू माइल्स पर एक मूवी बना तो रही है, जो सोनी के हेड एमी पैस्केल ने कंफर्म भी किया था एक इंटरव्यू में। अभी ये केविन फैगी को मालूम है कि नहीं पता नहीं। टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड की फिल्म्स के दृश्य दिखाई देते हैं जब मिगेल मल्टीवर्स एक्सप्लेन कर रहा होता है, जहां टोबी की मूवी से अंकल बेन की डेथ सीन दिखाई देती है। गारफील्ड की फिल्मों से कैप्टन स्टेसी एमा स्टोन के किरदार ग्वेन स्टेसी के पिता का डेथ सीन दिखाई देता है। अब ये कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, पर मल्टीवर्स एक्सप्लेनेशन सीन में एक जगह स्पाइडरमैन वेनम बनने के चित्र दिखाई देते हैं, जिन्हें मिगेल अंकल बेन की
मौत की तरह कैनन इवेंट कहता है, यानी हर स्पाइडरमैन को वेनम बनना ही है। और अब एमसीयू में एक वेनम गू तो है, थैंक्स टू एडी ब्रॉक, जो स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में गू छोड़ के जाता है। तो ये फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज का प्लॉट पॉइंट हो सकता है। फेमस स्पाइडरमैन पॉइंटिंग सीन के दर्शन होते हैं इस मूवी में भी, जो स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन हॉलैंड, टोबी, गारफील्ड भी करते हैं। अंकल बेन की मौत पर भी रेफरेंस होता है इस सीन में, जो पीटर पार्कर के लाइफ में कैनन इवेंट है। सिर्फ एमसीयू वाले में आंट मे की मौत वो इवेंट होती है। जब माइल्स अर्थ 42 में पहुंचता है फिल्म के आखिर में, तो पुलिस रेडियो में सिनिस्टर 6 पर रेफरेंस होता है, जो है फेमस स्पाइडरमैन विलन ग्रुप। ये ग्रुप टीज हो चुका है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में और सॉर्ट ऑफ दिख चुका है स्पाइडरमैन नो वे होम में, हालांकि वहां सिर्फ 5 ही विलन थे। तो ये है वो रेफरेंसेस नॉर्ड जो कनेक्ट करती है एनिमेटेड स्पाइडरमैन वर्स को एमसीयू लाइव एक्शन स्पाइडरमैन वर्स और एसएमसीयू के साथ। क्या आपको कुछ और रेफरेंसेस मिले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा डिस्कशन का। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। रीसेंट वीडियोस जैसे सिर्फ एक बंदा काफी है और स्कूप का रिव्यू आखिर में है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ऐसे स्पाइडर वर्स रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।